होश में आ कुसुम, ये क्या करने जा रही थी तू? अपनी बहन को सब कुछ बताने जा रही थी कि उसका प्यार बांटना चाहती है तू? कितनी बार समझाया तुझे कि अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो तू, जो कुमुद कभी माफ नहीं कर पाएगी, और आज उसी को सब कुछ बताने जा रही थी। मेरे सामने देख और बता, तूने उसे बताया तो नहीं कि तू किससे प्यार करती है? बोल कुसुम बोल। नहीं पता, कुछ नहीं बताया माँ, मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया। और अब जिंदगी भर चुप रहना होगा तुझे, याद रख, कुमुद सरस को मन से अपना सब कुछ मान चुके हैं, अपनी छोटी बहन के लिए वो सब कुछ त्याग कर ले, पर सवाल जब अपने होने वाले पति का हो तब सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, एक औरत सिर्फ औरत बन जाती है। मेरे साथ भी तो यही हुआ है नमा, हर त्याग कर सकती हूँ पर ये नहीं कि उन्हें दिल से निकाल कर किसी और को बसा लूं। आंखें खोल कुसुम, आंखें खोल और सपने से जाग जाग और सच को देख, पूरा परिवार बिखर जाएगा। सवाल सिर्फ तुम्हारे प्यार का नहीं है, तुम्हारी बहन दो टुकड़ों में बट जाएगी, कुछ रह पाओगी तुम? हाँ, तुम्हें हमेशा याद रखना होगा और ये समझना होगा तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। ये क्या कर रही है माँ? खुद की इज्जत करना आप ही ने सिखाया ना हमें, फिर अपना मन मारकर कैसे जिएगी आपकी बेटी? माँ एक बार भूल हो जाती है पर दूसरी बेटी भी घर वापस आए इसे क्या कहेंगे? अधिकार और फर्ज कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। कुसुम को खुद के बारे में नहीं, अब दूसरों के बारे में सोचना ही होगा। दूसरों के बारे में ही सोचकर उसने हाँ की थी शादी के लिए, पर अब हमें उसके बारे में सोचना है, जब हम जान गए कि वो किसी और से प्यार करती है। तू जानती है कि किससे दिल लगा बैठी है? हाँ माँ मैं जानती हूँ, और इसकी शादी उसी से होनी चाहिए। हल्दी छूट नहीं रही है क्या कुसुम की? भाभी अब बस करो, ठंडे पानी से कहीं बीमार ना पड़ जाए छोकरी। बस हो गया, आप आंचल करके इसे अंदर लेकर जाइए, मैं आती हूँ। हल्दी लग गई है, आज से तुम अलग कमरे में सोओगी, समझी? भाभी काला टीका लगा देना दोनों को, बहनों के प्यार को कहीं किसी की नजर न लग जाए। चल अच्छा, माँ हम कुसुम के साथ ऐसा नहीं कर सकते माँ, और सवाल सिर्फ कुसुम का नहीं है, मोहन का भी है, कि उसके साथ भी तो धोखा होगा ना माँ? और हमारे साथ? ये सरस ये सब कुछ जानता है? हाँ माँ, उसी ने मुझे इस बारे में बताया है, और माँ वो भी कुसुम की खुशी चाहता है। ये फैसला हम दोनों का है। जानती हूँ, मुझसे भी बड़ा दिल पाया है मेरी बेटी ने, पर मैं तो तुम दोनों की माँ हूं ना, सिर्फ एक तरफ से कैसे सोच सकती हूँ? मुझे थोड़ा वक्त दो, रस्में खत्म हो जाने दो, बाद में मैं सबसे बात करती हूँ।
पर हाँ, वरना भी इनके सामने कोई तमाशा ना हो। जब तक मैं ना कहूं इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अब सर इससे क्या कहूं,